क्यों तले पड़ी मेरी नारे मने मती ना छेड़े भरतारे। हमारे आदरणीय बड़े भाई भाई वीरेंद्र यादव जी वरिष्ठ भाजपा नेता दुघेड़ा पहले भी 500 रुपया दिए थे, एक बार फिर 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। आज यहाँ रिश्तेदारी में चल के आए हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। रे उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे मने मते ना छेड़े बरतार तेरे तने बोला ना चाहती अरे अंधेरे गुबार महल में दीवाना बनी उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे का किसी को पता नहीं चलता। अच्छा, वही कहानी तू बना रही है। क्या बना रही हूँ मैं कहानी? मैं तो सब जानू रा मैं सब जानू इन पीरा का ते उल्टा हो मतायो थारा उल्टा हो मता लगीब पढ़ूंगी मरूंगी कुएं में गिर के कती नहीं बचू। ज्यादा घमंड भी मत करे। किस चीज का घमंड? इस बात का कि मैं कुएं में गिर के मर जाऊंगी, मरूंगी बगैर लुगाई के रह जाऊंगा। आजकल लुगाई की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। तो लिया फिर। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ से 20,000 में 5 आ रही है। 5 हम भी तेरे पे 2 तो संभालना रही, 5 संभालेगा तू? दादा कुछ ज्यादा ही करंट में। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, अपने पति में धक्के दे करके भगा रही है। ऐसे ही भगाऊंगी। वो तो मैं बहुत नरम दिल का आदमी और गुस्सा आ जाता ना, क्या करता? नहीं अरे हथियार हथियार भी घना ही तगड़ा है तेरा। तुझे ऐसे पहना देता जैसे ये चोब पहनी हो रही है। अरे तेरे बस की कुछ नहीं है। 4-6 मार के देख लूं? देख ले आजा। मैं तो सब जानू ये नबीरा का उल्टा हो मता यो थारा उल्टा हो मता लईब पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता चले तने लाग जा पता इसी के खता हुई मेरी से बतक डटी शर्म तेरी से इसी के खता हुई मेरी से बतक डटी शर्म तेरी से मैं अपने घर चली जाती ऐसा किसने के कह दिया डहन तू रो रो टकराती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे चाहिए था। क्यों? क्योंकि आखिरकार तेरा पति आया था। बाग बगीचे कुआ ताल महल अटारी धन दौलत सब कुछ तेरा ही तो है। सब कुछ मेरा है। सब कुछ? सब कुछ मेरा नहीं है। सब कुछ तेरा है। और तुम? मैं भी तेरा हूँ। तुम मेरे नहीं हो। अगर तुम मेरे होते तो मेरे पास समय से आया करते। 6 महीने में आया है। अगर मैं बीच में मर भी जाती तो पता नहीं लेता। मैं पागल में राजा हूँ, कोई आम आदमी नहीं हूँ। मैं कोई प्रताप डागर नहीं हूँ जो डेली यही हाजिरी दूं आके। तो राजा भी फिर राजा है तो भी आई नहीं करता तू?
यो तो तेरे बाप ने भी देखना चाहिए था क्या कि मैं अपनी छोरी की शादी एक राजा के साथ कर रहा हूँ। बाप तो बड़ा राजी हुआ था कि राजा के साथ मेरी छोरी की शादी हो रही है। और इतना देख मैं फिर भी रख रहा हूँ, नहीं तो आजकल के राजा तो रंडवे हैं। और मैं भी बड़ी राजी हुई। हरियाणा में देख लो, यूपी में देख लो, दिल्ली की गद्दी पे देख लो, और बताऊं दो चार। तू अपनी बता। मैं तो फिर भी तू रंडवा नहीं रह सकता। हाँ मैं नहीं रह सकता। ये रा बाग बगीचा कर यहाँ मैं ढोलक वाले की तरफ जा रहा था। नहीं क्या साबित करना चाहते हो? अगर इतनी जान बन रही है तो यहाँ दिखा। तेरे मार दूँ? मार के दिखा। ना, ना, ना। तू तो जिगर का टुकड़ा है। हाँ, टुकड़ा कलेजे की कोर है। हाँ। बाग बगीचे तेरा बाग बगीचे तार बावड़ी सब तेरी जायदाद सब तेरी जायदाद घर शहर नगर थारा से तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो घर शहर नगर थारा से अड़े ना कोई मेरा साथी चाहे घर में क्या चाहे घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचायती उठ क्यों पड़े पड़ी मेरी ना और दादा लक्ष्मीचंद जी की इस बेहतरीन रागनी पर हमारे रमेश जी हैं कटकई से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। सुन रहे छोरा सतपाल जी गुरु जी भाई भूल के भी ब्याह मत करवाइयो। क्यों ए नेत्रपाल कभी भूल के भी ब्याह मत करवाइयो भाई रंडवे रहो। हाँ ना तो खावे और ना खान दे। हाँ रंडवे रहो थारे नखरे अपने आप ही कम हो जाएंगे। अच्छा अरे न्यारे न्यारे बैठे के अरे न्यारे न्यारे बैठे के किसे बांदर से गिर के किसे बांदर से गिर के करके जा बैठ समाई हरी धुन वाखी ना बनू लुगाई दोनों की ना बनू लुगाई दोनों की तुझे सुनन भी कम लग गया अब। मैं ठीक सुन रहा हूँ ये शब्द क्या कहा तूने दोनों की लुगाई नहीं बनू। हाँ वो दूसरा कौन है जो तुझे लुगाई बनाना चाहवे था? अगर मैंने दूसरे का नाम बता दिया ना तो तुम विश्वास नहीं करोगे। बता ये जो मेरी हालत देख रहे हो ना देख मेरा सूट भी फट रहा है देख। हाँ फट रहा है थोड़ा सा थोड़ा ही फट रहा है। मेरे साथ साथ देख इसके भी कितनी खरोच आई है बेचारी के देख इसके भी छोटी है यार। हाँ सारी घायल कर दी हम। कौन था वो? अगर तुम 6-6 महीने में आओगे ना तो फिर तो दूसरा ही हाथ साफ कर जाएगा महाराज। जब भी कहती हूँ जल्दी जल्दी आए करो महलों में। मैं जूता बता हुआ दूसरा कौन था? उसका नाम पूछना चाहते हो? हाँ। वो विक्की था। झूठ सफेद झूठ। मेरा विक्की तो नेक है
यानी कि मेरा पूरन मल तो नेक है और हजारों में वो नहीं। कोई और नहीं था महाराज, ये तो मैं आपसे मजाक कर रही थी। जिसने मेरी ये हालत की है और मेरी बांदी की ये हालत की है वो कोई और नहीं बल्कि आपका ये इकलौता लाल पूरन मल था। ये है वो जहरी नाग। बैठ जा रहे पूरन, चुप रहे, चुप तो आप रहो। अब मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं। कहां मेरा 12 साल का पूरनमल और कहां तू 32 साल की सांडनी। हेलो, यू 12 साल का है? हाँ 12 साल का है। हिसाब किताब तो देख ले इसका, 12 साल का है ये। 12 साल का और है? 12 साल के बच्चे को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं होता। कोई ज्ञान नहीं होता? नहीं। लेकिन किसी ने ये कहा है कि सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा जहर उसमें बराबर ही मिलता है। तुझे कैसे अनुभव हुआ इस बात? क्योंकि ये तो अजगर का बेटा है, तू अजगर है सांप नहीं। फिर कुछ करके जा बैठ समाई, हरी दुनवा बिना बनू लुगाई मेरी ना और बड़ी छाती। फिर हाथ लगा के देख लियो या सेड़ी से तस्ती उठ के बड़े पड़ी मेरी दार मने बाते बच्चे ने बड़े तोर तेरे पे बोलना चाहती। हे अंधेरे गुबार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों तरह पड़ी मेरी दार। अजमा के दिखा। हाँ वो कोई बात नहीं, पूछ अपने ढोलक वाले का, पैर टूट गया होता अभी। ऐसा ही है ना। अरे लक्ष्मी चंद, श्री लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रोप दिए चारे, रोप दिए चारे। हटले कौन मुंह गिनागे इस पूरन मल ने आग। हटले कौन मुंह गिनागे इस पूरन मल ने आग बाड़ दी। अरे इसे भगत का दोष धरे तू पाप रूप गाती तरह बड़ी बड़ी सोनू टेक कैसे।